बार बार आए जन्मदिन आपका हम रोज मनाए, बार बार आए हजार बार आए ये जन्मदिन आपका हम रोज मनाए, सारे मिलकर तुमको ये देते दुआएं। प्रणव हैप्पी बर्थडे टू यू, प्रणव जी हैप्पी बर्थडे टू यू, होठों पे तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह शाम। प्रणव हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज इंडस्ट्री में जैसे प्रणव इनका नाम है उसी तरीके से ये चमके हुए हैं। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आज इनके बर्थडे पे मुझे यहाँ बुलाया गया। तो मैं संजय भूषण साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रणव जी के बर्थडे पे मुझे बुलाया और इनको रूबरू मिलने का मौका मिला, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग काम भी साथ में करेंगे। जी जी जी। और बस यही दुआएं देके जा रहा हूं मैं आपको भी कि बस इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, हमारी आशीर्वाद दुआएं हैं। थैंक यू, थैंक यू। और ईश्वर भोलेनाथ आपको आगे बढ़ाए। जय महाकाल। जी, जिनके गाने सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, आज अगर वो मेरे साथ मेरे ही एक छोटे से कार्यक्रम में शरीक होते हैं तो ये मेरे लिए मेरा सौभाग्य मानता हूँ इसको। और तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ संजय भूषण जी का जिन्होंने इस बात की पहल की। और सर आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा। थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ आए। और पहला विश जहाँ तक मुझे याद है किसी खास का रहा है, किसी खास का जिसकी बहुत खास जगह है मेरे दिल में। अहमियत है कि एक साल और हम सर्वाइव कर पाए, वो काम करते हुए सर्वाइव कर पाए जिसके कारण हम मुंबई में हैं। सो ऊपर वाले का तहे दिल से शुक्रिया, मेरे दोस्तों का, यारों का, परिवार वालों का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने इतनी मदद की कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और अपने एक और साल बर्थडे मना रहा हूँ। हर बच्चे की तरह मेरा भी वही ख्वाहिश था, केक वेक कटे, लोग वो गाएँ, बहुत पार्टी शाटी हो। बट ये बात काफ़ी वक्त हो चुकी है और एक लंबे अरसे के बाद शायद पहली बार ऐसे कोई मुंबई में मैं फंक्शन रख रहा हूँ जिसमें मेरे बहुत खास लोग शरीक हो रहे हैं। सो वो अनुभव का एक अपना मज़ा था, इस अनुभव का अपना मज़ा है। जो कोई भी, हर कोई जो शिरकत कर रहा है यहाँ मेरे लिए बहुत खास है। कोई एक नाम लेके मैं बाकी नाम को छोटा नहीं बनाना चाहूँगा। तो आप तो हैं ही, देखते रहिए। खास तोहफा कि अभी अभी मेरे तीन गाने जी से अच्छा सब करके निकले, जो तीसरा गाना था फॉर्चुनेटली वो भी 1 मिलियन क्रॉस करने को है, क्या पता कर चुका हो। तो 30 दिन के अंदर 3 गाने रिलीज होते हैं और हर गाना मिलियंस को छूता है। यही तोहफा मुझे ऊपर वाले से मिला, मेरे दोस्त यारों से मिला। जी हाँ, मतलब बहुत खास है ये साल। पिछले कई सालों से अलग है इसलिए क्योंकि पिछले बहुत साल जो मैंने मेहनत की उसका फल मुझे इस साल मिल रहा है, तो ये साल मुझे और इंस्पायर करेगा आगे काम करने के लिए। तो बहुत स्पेशल है ये साल मेरे लिए। कह सकता हूँ कि अभी जुलाई में 6 गाने शूट करने जा रहा हूँ। प्रोड्यूसर हैं उसके अगेन अंशुल श्रीवास्तव जी हैं, वृद्धा भंडारी जी हैं हमारे साथ, विजेंदर जी हैं, 3 लोग हैं जो मिलके प्लान कर रहे हैं। तो वो अगस्त में बाहर आ जाएगा, फिर आपके साथ उस समय फिर से मुलाकात होगी। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मुझे कोई अच्छा किरदार मिले। कुछ अच्छे किरदार सामने से ऑफर हुए हैं मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस किरदार में अच्छा नहीं कर पाऊँगा, तो मैं और बेहतर ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, एटलीस्ट जहाँ मैं बहुत अच्छे से जेल कर पाऊँ। तो निश्चित तौर पर मैं कोई एक नाम, कोई एक किरदार, मतलब उसको डिस्क्राइब करके मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं इतना कह सकता हूँ कि जो सुन के लगे कि यार ये तो मैं ही हूँ, क्योंकि पहला काम आपका बहुत चैलेंज नहीं लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। पहला काम आपका ऐसा होना चाहिए जिससे लगे कि अरे ये तो मैं ही हूँ, ये तो हंसते खेलते हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ढूंढ रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू।
बेसिकली मेरा नाम है सनी अग्रवाल, मैं एक बॉलीवुड इंडस्ट्री में फैशन इन्फ्लुएंसर एंड प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ। आज मेरे खास दोस्त प्रणव वत्स का हैप्पी बर्थडे और बहुत जोरों शोरों से हम इस यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रणव जी मेरे 10 साल पुराने मित्र है और काफ़ी सारा काम हम साथ में कर चुके हैं और काफ़ी मूवीज़ और म्यूज़िक वीडियोज़ हमने साथ में किए हैं। हाल ही में मैंने दुआ दुआ एज अ लाइन प्रोड्यूसर किया था उनके साथ में और काफ़ी अच्छे इंसान हैं और मेरे काफ़ी बेस्ट फ्रेंड है और बेहद खुशी हो रही है प्रणव को इस मुकाम पर देखते हुए। स्ट्रगल टाइम से मैं प्रणव को देखते आ रहा हूँ और आज बेहद खुशी हो रही है कि प्रणव जी आज 3 सॉन्ग रिलीज़ हो चुके हैं, एज अ एक्टर वो लॉन्च हुए हैं। यहाँ पे पहले लिरिक्स राइटर थे बॉलीवुड में और अभी एज अ एक्टर भी बहुत ही बहुत कमाल का काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। मेरी अभी फिल्म आ रही है सीक्रेट डिज़ायर और कुछ म्यूज़िक वीडियोस आ रहे हैं और एक फैशन लाइफस्टाइल के ऊपर एक टॉक शो होस्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है फैशन टॉक्स, वो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाला है। थैंक यू सो मच। खुशी हो रही है एंड सबसे पहले तो मैं ही आई सारा कुछ अरेंज करवाने के लिए। एंड प्रणव मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। हैप्पी बर्थडे प्रणव, तुम बहुत खुश रहो एंड बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की करो। यस, अभी हम लोग का लाइनअप में है 6 गाने और हैं एंड देन फिल्म्स की भी बात चल रही है और जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे बताते रहेंगे। थैंक यू थैंक यू। सो मैं प्रणव को बहुत सारी अपनी हार्टलीस्ट विशेस देना चाहूँगी और चाहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की करे, बहुत नाम पैसा शोहरत सब कुछ कमाए और वो बहुत अच्छा इंसान है, वो बहुत आगे जाए। तो मैं बस यही चाहूँगी एंड प्रणव विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू एवरी प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। मैंने प्रणव के साथ सॉन्ग किया था नाइश तुमसे करेंगे, तो वो सॉन्ग को भी 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं। सो हम लोग बहुत एक्साइटेड है और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लविंग माय सॉन्ग दिस मंथ। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। अच्छी किस्मत सानिया है, ये सिंगर हैं, बहुत जल्द मेरे ही अगले गाने को गाते हुए दिखेंगी। और ये प्रियांजलि हैं, एक्ट्रेस हैं, ये भी बहुत जल्द अगले मेरे गाने में मेरे साथ लीड पेयर दिखेंगी। और ये दोनों बहनें हैं, एक सिंगर है एक एक्टर है, बाकी आप इनसे पूछो। मेरी शुभकामना तो सबके साथ रहती है लेकिन प्रणव सर के साथ बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि मेरा सॉन्ग होने जा रहा है उनके साथ और इनकी बदौलत है कि मेरा ये सेकंड सॉन्ग है आई गेस। सारे राज बात करो ये ना कि कर नहीं ना? अभी भी पेंडिंग रखते हैं। आपसे चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। प्रणव जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, आप लोग भी शामिल हुए इस पार्टी में, क्या कुछ शुभकामनाएं आप लोगों की तरफ से होगी? देखो प्रणव जी के बर्थडे में हम लोग सारे शामिल हुए, इससे खुशी की बात क्या है। जो उनके 3 गाने अभी आए हैं जिसको मैंने डायरेक्ट किया है, प्रोड्यूस इन्होंने किया हुआ है, तो हमें तो बहुत खुशी है। हमारा एक आर्टिस्ट आगे बढ़ रहा है, एक आर्टिस्ट बन रहा है, तो इससे और खुशी की बात क्या है कि उसके बर्थडे में हम शामिल हुए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रणव जी का आज बर्थडे है, उनको तो पहले शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ और ऐसे ही वो आगे बढ़े, मेरी ये शुभकामनाएं। अगले गाने हमने थोड़ी सी प्लानिंग चल रही है अगले गानों की। अब देखो काफ़ी अच्छा उन्होंने एक एल्बम बनाया हुआ है गानों का, जिस जो कि उन्होंने मेरे को 6 गाने का एल्बम सुनाया जिसमें 4 एक गाने बहुत अच्छे हैं और 2 गानों के बारे में अभी और डिस्कशन चल रहा है। होपफुली हम 6 गानों का सेट लेकर वापस आएंगे आप लोगों सबके सामने बहुत ही जल्दी। बहुत जी के साथ अभी 1 मंथ लगेंगे और शूट यहाँ पे नहीं होगा, दुबई में होगा। ठीक है, अरे वाह, दुबई ये मुझे ये पहली बार पता चल रहा है, क्या बात है सर। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। प्रणव जी का जन्मदिन
दिन है आज, क्या कुछ शुभकामनाएं आपकी तरफ से? प्रणव जी का बर्थडे है, सो मेरी तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही हिट गाने करते रहते हैं, तो मेरी तरफ से उनको यही शुभकामनाएं हैं कि वो बहुत सारा काम करें और सबको एंटरटेन करें। हैप्पी बर्थडे। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिन पर, और हमने साथ में काफ़ी काम किए हैं मैंने और प्रणव ने, हम 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं। बहुत ही शानदार आदमी है, मस्ती चाहिए, काम चाहिए, जो चाहिए, एक अच्छा दोस्त, अच्छा आर्टिस्ट, अच्छा सिंगर, अच्छा एक्टर, जितनी बातें बोलो कम है। तो पहली बार बहुत 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 शुभ दिन हो उनका, खूब इंजॉय करें, हैप्पी बर्थडे। हाँ बिल्कुल, क्यों ना उनका जो भी रिसेंट गाना आया था धुआं धुआं, थोड़ा सा गाते हैं। धुआं 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 धुआं। सो इसी के साथ बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्रणव के लिए। धुआंदार बर्थडे हो आपका, धुआंदार बर्थडे चल रहा है एक्चुअली अभी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यही सुनने के लिए आपसे मैंने ये आउटफिट पहना है आज। से तो सिर्फ शुभकामनाएं हैं उनके लिए, आज जो भी हमारा एसोसिएशन है उनके वजह से है। और पूना से मुंबई आना इतना इजी नहीं है, स्पेशली जब बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइंड अप है, लेकिन उसके लिए आना कंपलसरी था। और मैं खुश हूँ कि उनके इस खुशी में मैं शामिल हूँ, उन्होंने हमको इनवाइट किया। थैंक यू टू प्रणव एंड आई विश हिम ऑल द हैप्पीनेस एंड लव इन द वर्ल्ड। ऑनेस्टली मुझे मिक्स कमेंट्स मिल रहे हैं, दे लाइक धुआं धुआं मोर क्योंकि वो पेपी नंबर है, लेकिन काफ़ी लोगों को अभी तक सेकेंड और थर्ड गाना थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि उनको वो समझने में वक्त लगेगा। लेकिन मुझे ये गारंटी है कि आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम वो शायद धुआं धुआं से ज़्यादा हिट हो जाएगा। सो मिक्स कमेंट्स है लेकिन पॉजिटिव कमेंट्स है, सो आई एम प्रीटी हैप्पी विद दैट। बहुत सारे एक्चुअली हमारा कल मीटिंग है इसके ऊपर, इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के आई हैव कम टू मुंबई। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनफैक्ट इस वाले जो इंडस्ट्री में जो है प्रोडक्शन पार्ट में मोस्टली प्रणव के साथ ही प्रोजेक्ट्स हैं। बिल्कुल नहीं, बहुत ख़राब है कला। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू सो मच। यही बोलूँगा, हैप्पी बर्थडे प्रणव, तुम जियो हजारों साल उसके दिन और हजारों साल। और ही इज़ अ टैलेंटेड गाय, बहुत अच्छे गाने लिखता है, अभी तो एक्टिंग में भी आया है, तो ऑल द बेस्ट बोलूँगा प्रणव को। और मैं बहुत सिंपल सा आदमी हूँ सब चीज़ के लिए। मुझे तो पता नहीं ये बोला मैं आ गया, तो बस केक काटते और इंजॉय करते। हाँ प्रणव जी, सर जी, सर आज कुछ नहीं, सॉरी मैं स्पीचलेस हूँ, कुछ नहीं। ओके, गाने रिलीज हुए हैं जो काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं, कुछ कहना चाहिए उनके गाने के बारे में? अच्छे हैं गाने, और देव ने किए हैं, एक गाना तो बहुत चला है वो धुआ धुआ, ऐसा मोमेंट बहुत अच्छा है। मैं बोलूँगा प्रणव ऐसे ही काम करते रहो, नए साल आज बर्थडे, अगले साल में और बड़ी पार्टी करो, धमाल से करो, गाने सक्सेस हो, तुम्हें को तरक्की मिले, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या ऐसी बात है कि सर के आने से आप एकदम चुप हो गए हैं? जहाँ से सब कुछ सीखा है वहाँ क्या बताऊँ, कुछ भी बोलूँगा तो बेकारी हो जाएगा, और मैं थोड़ा नर्वस रहता हूँ, हो जाता हूँ। सो बस थैंक यू सर, आ गए वही बड़ी बात है, अभी हुआ मेरा हैप्पी बर्थडे। माई बेस्ट विशेस प्रणव, प्रणव मेरा छोटा भाई है, ये कहना गलत होगा कि यार उसका 10 साल 15 साल उससे भी ज़्यादा है, मैं इसका बड़ा भाई हूँ। और मेरी हमेशा शुभकामनाएँ प्रणव के साथ हैं कि जीवन में कुछ और अच्छा करें, कुछ और बेहतर करें, और ऐसी खुशी हम लोगों को देते रहें, घर परिवार के लोगों को। हमारी तंदुरुस्ती का राज बड़े भाई का साथ। थैंक यू।
वो हमेशा खुश रहे और ऐसे ही हंसते रहे और अपने गाने ऐसे रिलीज करके हम सबको खुश करते रहे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं प्रणव वत्सा जी को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगी। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छी गैदरिंग है, बहुत अच्छी पार्टी है, सो लेट्स सेलिब्रेट। थैंक यू। अभी करेंटली मैं एक साउथ की मूवी कर रही हूँ जिसका कि शूट अभी हो चुका है और आगे नेक्स्ट स्केड्यूल लगने वाला है इसका, तो अभी फिलहाल ये चल रहा है। थैंक यू। मैं इनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, ऐसी ढेरों साल जिए और मेरी हमेशा इनके साथ ब्लेसिंग्स हैं। भोले बाबा के तो भक्त हैं और मैं भी भोले बाबा का भक्त हूँ और मैं बहुत मतलब मैं आई एम सो लकी कि मैं आज इनके बर्थडे में शामिल हो सका। वेरी हैप्पी बर्थडे, अमेजिंग ईयर।